हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, शिपू के किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन सी डिश जिसका नाम है चिकन नगेट्स। तो चिकन नगेट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो आज हम आपको लाइन वाइज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। चिकन नगेट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो ये है। तो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है बोनलेस आधा किलो चिकन जो ब्रेस्ट का है, उसको हमने पतले पतले स्लाइस ऐसे बनाए हैं, देख सकते हो आप। उसके बाद हमने लिया यहाँ पर ब्रेड क्रम्स, मैदा, दो अंडे लिए हैं, एक चम्मच दूध लिया है, मिक्स हर्ब्स लिया है और वाइट पेपर लिया है और रेड चिल्ली फ्लेक्स है, सोया सॉस है, नमक है और गार्लिक का पेस्ट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है, जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि हमने इसके पतले पतले पीसेस किए हैं। तो उसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ताकि टेस्ट एकदम परफेक्ट हो। आपको अपने अंदाज से नमक लेना है, जैसा आपको लगता है फीका नमकीन। तो उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर जिंजर का पेस्ट, सॉरी गार्लिक का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है जैसे मार्केट में मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, वाइट पेपर और मिक्स हर्ब्स और थोड़ा सा सोया सॉस। अब इन सबको हम मैरिनेट करेंगे। तो गाइस, हमने चिकन के साथ जो सारे मसाले थे उसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हमने इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो मिश्रण जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिलते हैं हम आपको आधे घंटे के बाद। तो गाइस, हमारा यहाँ पर आधा घंटा पूरा हो चुका है। हमारा जो चिकन है वो पूरा अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो ये है, हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिया है, दो अंडे लिए हैं, थोड़ा सा दूध लिया है और चुटकी भर नमक और वाइट पेपर लिया है और ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, मैदे का आटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अभी इस अंडे में नमक और वाइट पेपर ऐड करेंगे और एक चम्मच दूध, इसको अच्छे से मिला लेना है। और गाइस, ये जो ब्रेड क्रम्स से आप देख ही सकते हो, ये अलग ब्रेड क्रम्स से इसको हमने घर में बनाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसका भी वीडियो ज़रूर डालेंगे, क्रिस्पी टाइप ब्रेड क्रम्स से ये। तो चलिए सबसे पहले फिर हम इधर स्टार्ट करते हैं। इसको पहले फ्लोर में डिप करेंगे, इसके बाद अंडे में डालेंगे, इसके बाद ब्रेड क्रम्स में। ये खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं, आपने तो खाया ही होगा रोड साइड में नगेट्स, क्रिस्पी क्रिस्पी, देख ही सकते हो आप गाइस। गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट होगा तो हम इंशाल्लाह और नए नए डिशेस बना के आपके सामने लाते जाएंगे।
और हमारे जो डिशेस है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे डिशेस कैसे लगते हैं, क्योंकि हमको आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। देख ही सकते हो गाइस, एकदम केएफसी स्टाइल में एकदम देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार। इसी तरह हम सारे पीसेस को हम अभी रेडी करके लेंगे। देख सकते हो तो गाइस, हमने जो ये चिकन नगेट्स है उसको कवर करके हमने पूरा रेडी कर लिया, आप देख ही सकते हो। पूरी तरीके से हमने रेडी किया, एकदम माशाल्लाह लग रहे हैं गाइस। तो अभी हम इसको फ्रीजर में स्टोर करेंगे 1 घंटे के लिए। तो मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। तो देख ही सकते हो गाइस, हमारा यहाँ पर 1 घंटा पूरा हो गया, हमने इसको पूरा अच्छी तरीके से फ्रीज कर लिया है। तो अब हम इसको ऑयल में डालने जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मजेदार होते हैं चिकन नगेट्स। और इसको हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि वो अच्छी तरीके से, जो अंदर चिकन है वो अच्छी तरीके से पक जाए, इसलिए हमने लो फ्लेम रखा है। तो चलिए अभी इसको हम टर्न करते हैं। ऐसी बार बार टर्न करना है, आपने ध्यान रखना होगा ताकि वो एकदम जल ना जाए। देखो ब्राउन ब्राउन सा सुनहरा कलर आ गया है उसको, देख ही सकते हो आप। तो गाइस, हमारे जो चिकन नगेट्स है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, तो हम इसको अभी प्लेट में सर्व करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, लाजवाब। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो लीजिए गाइस, हमारे टेस्टी चिकन नगेट्स क्रिस्पी जो है वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे जो ये चिकन नगेट्स है वो कैसे लगे। अब हम इसको आपको कट करके बताएंगे कि ये अंदर से कैसे है। देख ही सकते हो आप, देख लिए, एकदम परफेक्ट, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार होते हैं खाने में। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना।
जल्दी आपसे मुलाकात होगी, और हमारी इस डिश को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।